दतिया में प्रदेश के जनसंपर्क, जल संसाधन, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। मंत्री मिश्रा ने मोबाइल टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री मिश्रा ने 2 साल की बच्ची खुशबू के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए दिए। इस अभियान अंतर्गत दतिया में 1,20,938 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले भर में 1,018 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। 50 ट्रांजिट टीम एवं 11 मोबाइल टीम बनाई गई है। अभियान में कुल 2,036 वैक्सीनेटर और 100 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। और यही कारण है कि जब टीकाकरण अभियान चला तो आज 90% तक मध्य प्रदेश में टीकाकरण आ गया। 2014 से भी कोई पोलियो का मरीज मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास और कदम उठा रही है। उसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश के अंदर ये पोलियो का अभियान बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की करके दिया है। मैं मानता हूँ निश्चित रूप से सावधानी का नाम बुद्धिमानी है और सावधानी के बतौर ये अभियान लगातार चलना जरूरी है। दतिया से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।